हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की स्पेशल दाल बाटी चूरमा मिर्ची का कूटा। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं दाल बाटी चूरमा बनाना। इसके लिए हम बाटी के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने आटा ले लिया है। आप अपने मेंबर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में आटा ले सकते हैं। हमने 500 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर आटा लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, 1.5 चम्मच नमक डाला है हमने। 1 टेबल स्पून जितना अजवाइन डाल रहे हैं हम। 1 बाउल जितना हमने सूजी ली है। सूजी से क्या बहुत ही क्रिस्पी बनता है और अच्छा टेस्ट रहता है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक एक बार टेस्ट कर लेंगे। कम हो तो और डाल सकते हैं हम। अब हमने इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें मलाई, 2 चम्मच डालेंगे। हमने मलाई डाल दी है। अब हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना हम दही डालेंगे। दही से क्या जो बाटी का टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है और सॉफ्ट भी बनती है। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तेल से क्या मोइन अच्छा आएगा। हमको मुट्ठी भर मोइन चाहिए, इसलिए हम एक बार 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल रहे हैं। कम होएगा तो हम और लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मोइन डाल दिया, आप देख सकते हो हमने जो मुट्ठी भर मोइन डाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुनगुने पानी से इसका डो तैयार करेंगे। ना हार्ड लगाना है ना लूज लगाना है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पानी नहीं डालना है हमको। अच्छा, ये हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा तेल की कोटिंग करके अच्छे से मसल लेंगे। अब हमने इसको एक बार मसल लिया है। अब क्या करेंगे हम, इसको ढक लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हमने थोड़ा सा आटे को अलग कर दिया था क्योंकि हम मसाला बाटी भी बना रहे हैं। हम प्लेन और मसाला बाटी बना रहे हैं। प्लेन के लिए तो हमने अभी आटा डो तैयार करके रखा था और दूसरी इसमें थोड़ा सा अलग करके हम इसका मसाले बाटी के लिए डो तैयार करते हैं। इसके लिए हमने जो मोइन डाला हुआ आटा है, जो अभी सेम ही था प्रोसेस, उसके हम अंदर अजवाइन डाल रहे हैं थोड़ी सी, 1/2 टेबल स्पून जितना ही हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। ये हमने मिक्स कर लिया, हमारा जो मुट्ठी भर मोइन होना चाहिए आप देख सकते हैं। अब इसको हम गुनगुने पानी से इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो थोड़ा हार्ड रखेंगे हम, जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं हम वैसे ही लगाएंगे। अब इस पर हम थोड़ी सी तेल की कोटिंग करके इसको भी अच्छे से मसल लेंगे, जैसे पहले वाला डो को तैयार किया था हमने। ये भी आटा हमारा लगा के तैयार हो गया है। ना हमने ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा लूज रखा है, ना टाइट किया है इसको। अब इसको भी हम 10 मिनट ढक देंगे। अब हम दाल की तैयारी करते हैं। अब इसकी दाल की तैयारी करें, इसके लिए हमने 1 बाउल मूंग की दाल ली है और 1/2 बाउल चने की दाल ली। इसको हम धो के कुकर में डाल लेंगे। हमने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जितना दाल पूरी अंदर भीग जाए उतनी डालना है हमको। ज़्यादा डालोगे तो कुकर से बाहर आ जाएगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं, एक बार अच्छे से इसको सारी दाल को एक साथ कर लेंगे। और चाहिएगा तो और थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं हम पानी को। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक। नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हम तड़का भी लगाएंगे इसमें। और हल्दी डालेंगे थोड़ी सी मिर्च डालेंगे। सब थोड़े थोड़े से मसाले डालने हैं हमको एक बार, क्योंकि तड़का भी लगाएंगे हम बाद में। और 1 चम्मच धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब साथ में हम 1 टेबल स्पून जितना घी डाल रहे हैं, जिससे हमारी दाल जो बाहर नहीं आए बॉईल के टाइम। अब इसको कुकर की सीटी लगाएंगे 4 से 5 एक बार। जब तक हमारी दाल तैयार हो रही है, हम जो मसाला बाटी के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं, इसके लिए हमने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब इसको हम मैश कर देंगे। ये हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून जितना हम हल्दी डाल रहे हैं। थोड़े से हम डाल रहे हैं साबुत धनिया, सूखे धनिया 1 चम्मच जितने सौंफ डाल रहे हैं। सौंफ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मसाले का। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे।
ये हमने पैन में 1 टेबल स्पून जितना तेल डाला है, अब ये हमारा तेल आ चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं और ये मसाला डाल के इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मसाले का। अब हमने इसको मिक्स कर लिया। हम 2 चम्मच नींबू का रस डाल रहे हैं, आप चाहे तो इसमें आधा नींबू का जूस डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर रहे हैं और ठंडा होने देंगे। अब हम दाल के तड़के की तैयारी करेंगे। हमारी दाल तैयार हो चुकी है, हमने गैस की सीटी को बंद कर दिया है, गैस को बंद कर दिया है और जो ये प्रेशर अपना निकलने तक दाल रखी हुई है जितने तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए हमने प्याज लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, थोड़े लहसुन हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 मिर्च है। अब इसको हम चॉप करेंगे साथ में मिक्स करके। हमने इसको चॉपर में मिक्स कर लिया है, एकदम ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से भी कट करके कर सकते हैं, मेरे बच्चों को पसंद नहीं इसलिए मैं ग्राइंड करके करती हूँ। तड़के के लिए हमने पैन में घी डाल दिया है। अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, घी गर्म हो चुका है, जीरा डाला है थोड़ा, थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं, साथ में हम डाल रहे हैं ये थोड़े साबुत खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग और पेपर। अब हम डाल रहे हैं ये जो पेस्ट बना है हमने प्याज लहसुन और अदरक का, डाल के फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, दाल में भी ऑलरेडी होता है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और फ्राई होने देंगे। ये हमारी दाल पक गई है, आप देख सकते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार ये जो मथानी होती है, जेलना होता है, उसे हम घोट लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको वापस से मथ लेंगे, फेंट लेंगे। जितने साथ में हमने प्याज को भी चलाया है, गैस पे रखा हुआ है, हमारे पक रहा है, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच नींबू का रस डाल रहे हैं, आपको पसंद है तो डालिए, अदरवाइज जिसकी चीज़ है, और मिक्स कर लेंगे। चलिए वापस तड़के के पास चलते हैं। हमारा प्याज भून गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच जितना दही डाल रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर साथ में और धनिया पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे इसको। ये हमारा पक चुका है, दही भी इसमें आप देख सकते हैं हमारे साइड में से बीज छूटने लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दाल डालेंगे, ये जो हमारी दाल पकी हुई है वो हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं, आप इसमें नमक नींबू जो भी ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और एक बॉईल आने पर हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये हमारे 5 मिनट तक पक चुकी है दाल इसमें बॉईल आने के बाद। अब ये गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, ये हमारे रेडी हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं मिर्ची के कूटे की तैयारी। इसके लिए हमने पैन में तेल गर्म करने रख दिया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग डालने कलौंजी को आने देते हैं। अब हमने जो मिर्च कटी है पीसेस करके कटके रखी है, अब हम इसमें डालेंगे। अब हम 1/2 टेबल स्पून जितना नमक डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, पीसी भी राई डाल रहे हैं, पीसी भी है ये राई, अमचूर पाउडर डाल रहे हैं साथ में और 1 चम्मच जितनी हम दाना मेथी पाउडर डाल रहे हैं, आप चाहे तो उसको साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा 2 टेबल स्पून जितना ही पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर इस पर 5 मिनट तक रखेंगे। 2 मिनट हो गए, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, इसको हम ऐसे ही पकाएंगे, स्टीम में ही पकाना है इसको। अब ये हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम बाउल में ले रहे हैं। ये हमारा दोनों आटा तैयार हो गया है, हमने
इसको एक बार हमने अच्छे से मसल लिया है, मल लिया है, वापस गूंथ लिया है। चलो इसे बाटी बनाते हैं। लीजिए, हम मसाला बाटी बनाते हैं। इसके लिए हमने जो ये मसाले वाला आटा तैयार किया है वो पीस ले लिया एक छोटी सी बॉल टाइप में। अब इसको हम छोटी सी पूड़ी बना लेंगे कि हमने इतनी साइज की पूड़ी बेल ली है। अब हमने जो ये इसकी बॉल बना ली है मसाले की, जो स्टफिंग आलू को तैयार करके रखी, इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका जो ओपन वाला माउथ है उसको अच्छे से प्रेस करेंगे जो ये हमारे बाटी खुले नहीं। ये हमने इस तरीके से इसका मुंह को बंद कर दिया है। अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे दोनों हथौलियों के बीच में इस टाइप में, और अच्छे से प्रेस करके एक बार सेट कर लेंगे इसको। ये इस तरीके से हमने इसको बना दी है, आप देख सकते हैं राउंड शेप दे दिया है। इस तरीके से हम सारी जो मसाला बाटी बना के तैयार करेंगे। अब हम प्लेन बाटी बना रहे हैं, इसके लिए हमने थोड़ा सा पीस ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप में कर देंगे और सेट कर देंगे इसको। ये हमने इसको बना के राउंड शेप में तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ बाटी। इस तरीके से हम ये भी बना के तैयार कर देंगे। साइड में हमने जो ओवन है उसको गर्म करने रख दिया है, अब हम बाटी सेकने के लिए रखेंगे। ये हमारा कुकर गर्म हो चुका है, अब हम इसके ऊपर ये बाटी सेकने के लिए रखेंगे। हम प्लेन और मसाला दोनों ही रख रहे हैं साथ में। ये हमने इसको रख दिया है, अब इसका हम ढक्कन लगा के एकदम स्लो फ्लेम पे धीरे आंच पे ही इसको हम पकाएंगे और बीच बीच में पलटते भी रहेंगे, आप देख सकते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे, हमने इसकी फ्लेम रखी है मीडियम पे, इसको चेक करते रहना है हमारे। अब इसको अच्छे से सेकना है, वापस हम 2 मिनट से वापस चेक करेंगे। इसको ढक्कन लगा के वापस पकाएंगे। ये हमारे इस तरीके से सेक रही है, जो सीखी हुई है इस टाइप से हम इसको बाहर निकाल लेंगे और घी में डालेंगे। इस तरीके से हमने एक पैन में घी ले लिया है और उसको जो बाटी तैयार है उसको हम घी में डाल के सर्व करेंगे। अब हम इंस्टेंट चूरमा बना रहे हैं बाटी का। इसके लिए हमने जो बाटी सेक के तैयार कर ली है इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। हमने इसको पीसेस कर दिए हैं हाथों से। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जितनी पीसी हुई चीनी डाल रहे हैं। ये क्या अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अब इसमें हम थोड़ा सा गरम घी डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून जितना घी डालेंगे। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा इंस्टेंट बाटी चूरमा तैयार हो गया है। अब हम इसको सबको साथ में सर्व कर रहे हैं। लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमारे ये रेडी है। हम इसको हम सर्व कर रहे हैं थाली में। लीजिए फ्रेंड्स, इसको हमने सर्व कर दिया है थाली में। ये हमारे राजस्थान की थाली दाल बाटी चूरमा स्पेशल थाली तैयार है बनके। ये हमारे दाल बाटी, ये मसाला बाटी, ये बनी है हमारे प्लेन बाटी, ये हमारा इंस्टेंट बाटी चूरमा है, मिर्ची का कूटा और प्याज और पापड़ के साथ सर्व किया है। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी बाटी कितनी ही टेस्टी बनी है, कितनी ही सॉफ्ट बनी है। बाहर से तो इसका जो पार्ट है वो बहुत ही क्रिस्पी बना है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनी, इतनी इजीली टूटी है, बड़े बच्चे आराम से खा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग्स भी अंदर से आटे की बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनी। अब मैं आपको ये वाली मसाला बाटी भी तोड़ के बताती हूँ इसका। आप देख सकते हैं हमारा कितना ही सॉफ्ट बना है। ये अंदर से इसका जो मसाला है वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये भी बाटी हमारी। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।